बाबा देवराहा के नाम पर मेडिकल कॉलेज बन करके प्रारंभ हो गया है। बहन और भाइयों, पहले एम्स के लिए दिल्ली जाना होता था, आज गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो गई है। पहले पानी के लिए सीजन में तरसना होता था, आज तो बहनों और भाइयों हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है। पहले इंसेफ्लाइटिस से मरीजों नवजात बच्चों की मौतें होती थी, आज हमने जैसे माफिया समाप्त किए वैसे ही इंसेफ्लाइटिस की नौ की बीमारी को पूरी तरह समाप्त करके यहां के मासूमों को बचाने का काम भी किया है। बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, 2 लेन 4 लेन 6 लेन 12 लेन के हाईवे, वंदे भारत अमृत भारत और नमो भारत के नाम पे ट्रेन चल रही है, विकास के बड़े बड़े कार्य नए भारत की पहचान बन रहे हैं। और गरीबों के लिए याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गरीब भूख से मरता था, उपचार के भाव में दम तोड़ता था, रसोई गैस नहीं मिल पाती थी, गरीब बरसात में और सर्दी में ठिठुरने के लिए मजबूर होता था। आज बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोगों को भारत फ्री में राशन दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त में स्वास्थ्य का उपचार की सुविधा दे रही है, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन और 4 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आवास बनाए हैं। बहनों और भाइयों, मोदी जी की घोषणा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति के लिए फ्री में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष का आयुष्मान का कार्ड उपलब्ध करवाएंगे। मोदी जी की घोषणा है कि 4 जून को जब फिर एक बार भाजपा की सरकार बनेगी, मोदी सरकार बनेगी, तो बचे हुए गरीबों के मकान भी बन जाएंगे। मोदी जी ने कहा है भारत में विरासत भी रहेगी, भारत में विकास भी होगा, और उसी का परिणाम है अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया है। बहनों और भाइयों, एक तरफ विरासत भी और विकास भी, सुरक्षा भी सम्मान भी, गरीबों का उत्थान भी, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। आप देख रहे होंगे ये माफियाओं के सरपरस्त हैं, अपराधियों को गले का हार बनाते हैं, कोई भी माफिया हो, खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, ये सभी माफिया समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और बहनों और भाइयों, इनके समय में दंगे होते थे, याद करिए इसी भाजपा में कैसे दंगा करके निर्दोष हिंदुओं को बंद कर दिया था, हिंदुओं की झोपड़ियां जलाई गई थी। तब मैं सांसद था, मैं आया था यहां पे, मैंने जेल से छुड़ाने का काम किया था उन लोगों को, हमने कहा ये नहीं होने पाएगा, और अगर कोई निर्दोष हिंदुओं को छेड़ेगा तो फिर बड़ा आंदोलन हो